कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने सभी सेक्टर को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन लाखों कारीगरों को रोजगार देने वाली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर इसकी विशेष मार पड़ी। अप्रैल से जून तिमाही में हैंडीक्राफ्ट की निर्यात में 2/3 से ज्यादा की गिरावट आई। इस दौरान घरेलू मांग भी न रहने की वजह से लाखों कारीगरों की आजीविका पर संकट मंडराने लगा। कोरोना के कहर से जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट उद्योग की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। जोधपुर में करीब 2.5 लाख मजदूर बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गए। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में सिर्फ 2048 करोड़ रुपए का हैंडीक्राफ्ट निर्यात हुआ। वे एक साल पहले की समान अवधि के 6174 करोड़ के मुकाबले 66.83% कम है। हैंडीक्राफ्ट निर्यात में गिरावट से देश के 10,000 से ज्यादा निर्यातकों और 70 लाख से ज्यादा कारीगरों पर सीधा इसका असर पड़ा है। कोरोना के बाद हैंडीक्राफ्ट सामानों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी बढ़ गई है, लेकिन ग्राहक ज्यादा कीमत देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में बजट में कारोबारियों की मांग है कि सरकार एमएसएमई को भी कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह 15% के टैक्स स्लैब में लेकर आए। देखिए, लॉकडाउन के बाद में काम तो शुरू हो गया और अब काफ़ी जो मैन पावर थी वो भी वापस आ गई है, लेकिन जो कीमतों के अंदर जो वृद्धि हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है और ग्राहक जो हैं वो रेट बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लकड़ी से लेके लोहे से लेके पैकिंग मटेरियल, फिनिशिंग गुड सबके अंदर 10 से 15% जो है वो प्राइस राइज हुई है, जबकि ग्राहक 2-3% भी बढ़ाने को तैयार नहीं है। इस वजह से काम तो है, लेकिन अभी निर्यातक जो है बड़े पेशो पेश की स्थिति में है। बजट आने वाला है, सरकार से हमें सबसे बड़ी उम्मीद तो ये है कि एमएसएमई को भी कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह हमारे को रिबेट देंगे 15% टैक्स स्लैब के अंदर, स्मॉल मीडियम और माइक्रो इंडस्ट्रीज को लेके आएंगे। ये हमारी सरकार से बहुत बड़ी आशा है। हैंडीक्राफ्ट के मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस सहित दूसरे देशों में होने वाले फेयर कैंसिल हो गए। कोरोना की वजह से अप्रैल में भारत में होने वाला ईपीसीएच फेयर भी रद्द करना पड़ा, जिस वजह से ये उद्योग भारी मंदी की चपेट में आ गया। इसके अलावा एमआईईएस के तहत सरकार ने पहले 31 मार्च 2020 से इस योजना को बंद करने का फैसला लिया था। कोरोना के कारण स्कीम को सितंबर में 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट निर्यातकों के इस स्कीम के तहत 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक करीब 150 करोड़ रुपए की राशि अटकी पड़ी है। अब कारोबारियों की मांग है कि सरकार बंद हो चुकी एमआईईएस को फिर से शुरू कर दे, जिससे इस उद्योग को कुछ राहत मिल सके। एमआईईएस बंद होने से हैंडीक्राफ्ट निर्यातक दूसरे देशों के मुकाबले पिछड़ जाएंगे, इससे भी निर्यात में कमी आएगी। एमईआईएस स्कीम जो कि बंद हो गई है, हमारी दरखास्त है सरकार से कि वो एमईआईएस स्कीम चालू रखे और कुछ सब्सिडी के तौर पे, फ्रेट सब्सिडी के तौर पे अगर हमें कुछ दे पाएगी तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। जो एक इंटरेस्ट सबवेंशन हमें दिया जाता है 2.5 से 3% का निर्यातकों को इंटरेस्ट के ऊपर बैंकों से, वो हम लोग सरकार से ये चाहते हैं कि वो इस साल भी कंटिन्यू रखें। जोधपुर से हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट अमेरिका और यूरोप में होता है। यूरोप में हैंडीक्राफ्ट बड़ी मात्रा में पसंद किया जाता है। कोरोना की वजह से जोधपुर का 40% एक्सपोर्ट ठप होने की आशंका है। जोधपुर में 600 हैंडीक्राफ्ट निर्यातक है, जिसमें 3000 इकाइयां इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। हर महीने 2500 कंटेनर का एक्सपोर्ट होता है। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट का करीब 3000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, जिसमें 2 लाख से ज्यादा मजदूर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। कोरोना वायरस की धमक से एक महीने में ही हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाने के काम में आने वाला सामान 20% तक महंगा हो चुका है। इसका ज्यादातर सामान चीन से आता है, इनमें पॉलिश, कीले और स्क्रू समेत कई आइटम शामिल है। लिहाजा हैंडीक्राफ्ट व्यापारियों के व्यापार पर इसका जबरदस्त असर हुआ। इसके साथ ही यूरोप में कोरोना वायरस के पहुंचने से 40% एक्सपोर्ट बंद हो गया। इसके अलावा पैकिंग मटेरियल, फर्नीचर, आयरन और कांच उद्योग समेत दूसरे उद्योगों पर भी कोरोना वायरस का काफी असर पड़ा। कोरोना की वजह से सैकड़ों हैंडीक्राफ्ट उद्योग भी बंद होने की कगार पर पहुंच गए। व्यापारियों ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर सहायता की मांग की है। कारोबारियों की मांग है कि सरकार 300 करोड़ के लोन को माफ करे, ताकि कारीगरों को राहत मिल सके। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को संकट से उबारने के लिए और फिर से नई रफ्तार देने के लिए कारोबारियों ने अपनी मांग तो वित्त मंत्री के सामने तो रखी दी है, लेकिन अब देखना होगा कि वित्त मंत्री इस सेक्टर को कितनी राहत देती है और कैसे इस बार के बजट में परेशान कारोबारियों की नैया पार लगाती है।